और दोस्तों कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर प्रीता सबसे ज़्यादा शौक होती हुई नज़र आने वाली है। प्रीता बोलती हुई नज़र आएगी कि किसी भी तरीक़ा से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि जिससे किसी भी फैमिली को दिक्कत हो, क्योंकि अगर यहाँ पर पलके का किडनैप हुआ है तो हम उसकी जाँच पड़ताल करेंगे। क्योंकि प्रीता इस समय गुस्से में नज़र आएगी, और प्रीता का गुस्से में नज़र आना दोस्तों एक स्वाभाविक है, क्योंकि प्रीता ने जब किसी के साथ में बुरा नहीं किया है तो उसके साथ में बुरा कैसे हो सकता है। और इस समय प्रीता एक चीज़ और भी बोलती हुई नज़र आएगी कि हम कोई भी चीज़ भूलते नहीं हैं इतनी आसानी से, जो गुनहगार है उनको उनकी गुनाहों की सज़ा हम अवश्य देंगे, हर कीमत पर देंगे, हर सूरत में देंगे। क्योंकि दोस्तों गुनाह करने के बाद में और उस गुनाहों को ना मानना भी एक सबसे बड़ा गुनाह है, और वो गुनाह यहाँ पर करती हुई ही नज़र आ रही है आखिरकार। जी हाँ दोस्तों, मैं बात किसी और की नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इस समय सबसे बड़े गुनहगार की कर रहा हूँ। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं, कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। कम से कम अब करण को पता लगेगा कि निधि और वरुण मिलकर ही बेहद बड़ी साजिश रचाए हैं। जी हाँ, क्योंकि ऐसी साजिश कि जिसका किसी ने कोई तोड़ ही नहीं है, जिस चीज़ का वही चीज़ें होती हुई ही नज़र आ रही हैं। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए, लेकिन अब जो होने जा रहा है वो और भी घना दिलचस्प ही होता हुआ नज़र आएगा, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। दोस्तों साथ ही दोस्तों कुंडली भाग्य के आने वाले लेटेस्ट एपिसोड और टेलीविज़न सीरियल बॉलीवुड से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है दोस्तों रोहित नागर। जी हाँ, आप लोगों से अनुरोध करूँगा गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें।